एक और नई वीडियो में वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसी रिपेयर टिप्स में। आज की इस वीडियो में मैं एक वाटर पंप के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप अपने एसी में लगाकर पानी फ्लो करवा सकते हैं अगर आपके एसी में ड्रेन से रिलेटेड या ड्रेन पाइप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो। जैसा कि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर आपको बताया था कि अगर एसी का वाटर फ्लो बराबर नहीं है या आपका ड्रेन का पाइप अगर हाइटेड हो गया है तो आप उसे कैसे स्लोप में दे सकते हैं। उस वीडियो में भी मैंने आपको एक पंप के बारे में बताया था जो कि स्प्लिट एसी के लिए था। वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर कहीं दिख रही होगी, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते। इस पंप को जो है आप डक्टेबल एसी या कैसेट एसी जैसे बड़े एसी में आप लगा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर पानी ज्यादा स्वेटिंग होती है। ये बड़ा पंप है, इसके अंदर फ्लो ज्यादा रहता है, ज्यादा पानी को ये फ्लो कर आता है, इसलिए आप इस पंप को भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स को ओपन करने के पहले आप इसके ऊपर देख सकते हैं, इसके ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, इसका वजन और शायद MRP भी लिखी हुई है। आप ये जो है कोई भी एसी के पार्ट्स की दुकान से इजीली परचेस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको उसे परचेस करवा दूंगा। तो अब हम इसे ओपन करें। इसकी एक और ड्राइंग बनी हुई है जिसके अंदर बताया गया है कि आपको कनेक्शन कैसा लगाना है। कनेक्शन के लिए सिंपली एक जैक रहता है, वो मैं आपको अंदर में दिखाऊंगा। सेम जो हमने इसके पहले ही वीडियो बनाई थी वो भी पंप यही कंपनी का था। सेम से कैसे असेंबल करना है, कैसे ये वर्क करता है वो मैं आपको बताऊं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि साइड में केबल दिया हुआ है। ये केबल की वायरिंग जो है सेम पिछले वाले वायरिंग की जैसी ही रहेगी, सिंगल फेज और दो वायर एक्स्ट्रा के रहते हैं अगर हमें इसे हाई फ्लो में चलाना है तो, लेकिन हम उस डमी करेंगे। और जो ये तीन वायर है इसमें न्यूट्रल फेस अर्थिंग मतलब सिंगल फेस ही देंगे, और आप चाहे तो अपने एसी में से भी दे सकते हैं। आप इस पंप को डक्टेबल में भी लगा सकते हैं, कैसेट एसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाने का तरीका वही रहेगा। आपका जो ड्रेन पाइप रहता है, जैसे स्प्लिट एसी में ड्रेन पाइप आता है या कैसेट एसी का जो ड्रेन रहता है, उसको निकाल कर आपको इस पंप में लगाना है। वो कहाँ लगाना है वो मैं बताऊंगा। ये केबल है जो कि ये जो है मशीन में कनेक्ट होता है हमारी मोटर में, और इसको दूसरा सिरा जो मैंने बताया वो मेन सप्लाई में कनेक्ट होगा। इसे कैसे लगाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ में ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, कुछ स्क्रू वगैरह दिए हुए हैं जो कि हमें हैंग करना है जहाँ पर, उसके लिए इसे कैसे हैंग करना है, हम इसे हैंग करना ज़रूरी है क्या, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। अब निकालते हैं इस पंप को। ये पंप में आप देख सकते हैं यहाँ पर चार होल हमें दिख रहे हैं। ये चारों होल जो रहते हैं, ये चारों होल के नीचे एक ट्रे लगा हुआ है। ये चारों होल में से आपको कोई भी एक होल में अपना ड्रेन पाइप छोड़ना है। अगर आप चाहे तो चार मशीन के भी इसके अंदर ड्रेन छोड़ सकते हैं। तो हमारा जो ड्रेन पाइप आएगा उसे हमें होल में छोड़ना है। और ये कनेक्टर दिया हुआ है, जैसा मैंने आपको जो पिन दिखाया था वो पिन का कनेक्टर यहाँ लगेगा, और इसे जो है जो कर्व साइड दिया हुआ है ये वैसे ही लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जो कनेक्टर है वो कर्व साइड, अगर आप पलटा के लगाएंगे ये स्क्वायर साइड है, यहाँ से कनेक्टर बैठेगा ही नहीं, ये सिर्फ एक ही साइड से बैठेगा, इसलिए जो साइड से ईजी लगे आप उसी साइड में बिठाइए इसे। यहाँ से लगा के दूसरा सिरा जो है न्यूट्रल फेस को चला जाएगा। मेन सप्लाई देने के बाद आप देख सकते हैं ये तो जो मैंने बताया आपको चार होल वो हो गए इनलेट, और ये जो दिया है ये नोज़ल है आउटलेट। ये क्लिप काई के लिए दिया है मुझे भी पता नहीं, लेकिन आउटलेट का जो है ये नोज़ल है, और नीचे में जो है इसकी एक टैंक के नीचे वाटर लेवल दिया हुआ है। ये वाटर लेवल इसलिए कि हमें इसे स्ट्रेट रखना है, जैसा कि अभी ये है ये स्लोप में है, ये तिरछा वाटर लेवल एक साइड चले, ये जो अभी पॉइंट है ये सेंटर में है, मतलब ये ओके है। अगर हम इसे इस तरह रखते हैं तो पानी एक साइड जमा होगा अंदर भी, तो इसलिए आप जब भी इसे हैंग करें कहीं पर या कहीं पर रखते हैं तो ये चीज़ का ध्यान रख। ये जो दो पॉइंट दिए हुए ये हैंग करने के हैं, हमें अगर कहीं वॉल में जगह मिलती है तो हम उसे इजीली हैंग कर सकते हैं। ये सामने में एक स्क्रू है, इस स्क्रू को हम ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि अंदर में टब दिया हुआ है, जो हम चार होल में से अगर पानी डालेंगे तो वो जो है नीचे वाले टब में जमा होगा। इसे निकालने के लिए स्क्रू खोले, आगे की तरफ खींचे और ऊपर कर ले, तो ये एकदम इजीली क्लिप टाइप ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का था। सबसे पहले मैं आपको ट्रे के बारे में बता देता हूँ। ये जो ट्रे है ये देखिए, होल में से पानी आएगा, इस टब में जमा होगा। इस टब में जो है ये कचरा आगे ना जाए, इसलिए कुछ जेल बना के रखे कचरे के लिए, तो कचरा जो है पहले ही रुक जाएगा, उसके आगे पानी चला जाएगा। पानी जैसे ही अंदर एक लेवल में बढ़ेगा, इसके अंदर एक फुटबॉल जिसे हम कह सकते हैं, ये देखिए इस होल में से पानी नीचे आएगा और टब में जमा होगा। टब में आने के बाद ये जो फुटबॉल है ये जो है सेंसर का काम करता है। जैसे ही पानी का लेवल बढ़ेगा ये जो है कमांड देगा मोटर को, मोटर स्टार्ट करने के लिए। जैसे ही मोटर स्टार्ट होगी तो वो आउटलेट से पानी फेंकने लगेगी, कुछ इस तरीके का लगता है। और जैसे ही पानी का लेवल बढ़ता है तो ये ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद जो है
ये कमांड करता है। जैसे ही ये कमांड करेगा आपका मोटर चालू हो जाएगा और जो मैंने आउटलेट दिखाया था वहाँ से पानी वो फेंकना चालू कर देगा। और जैसे ही पानी कम होगा ये डाउन में आएगा, ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जाएगी, आपको कुछ भी बंद चालू करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली सेंसर पे वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी एसी टेक्नीशियन को इस तरह की हेल्प मिलती रहे। इसी तरह की नई नई नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारी वीडियो लिस्ट में जाके और भी वीडियो चेक करें। थैंक यू।